फाइवुड वेख रहे सारे ही दर्शकों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं पिंकी चौधरी ते अज असीं आए हां बेस्ट टेक मॉल जिथे कि जिन्ने जम्मे सारे नकमे दा अज प्रीमियर है। यह मूवी डायरैक्ट की है कैनी छाबड़ा ने ते इस मूवी नू प्रोड्यूस किया है हरमन बवेजा ने। तो आओ करते हैं गलबात इस मूवी की स्टारकास्ट के नाल। अज तुहाडे चेहरे ते एक वक्री ही खुशी वेखण नू नज़र आ रही। अज जिहड़े अपने लोकी साढ़े नाल जुड़े हुए आ ते की कहना चाहोगे, खुशी का राज की है तुहाडे दा? खुशी का राज तो तुसी देख ही सकते हो, साडी फिल्म जिन्ने जम्मे सारे निकम्मे बहुत मेहनत की है ते इहदी बड़ी इंतजार सी, पर फिल्म ओ टी टी ते आ रही है ते अज इहदा सानू दिखाउण दे लई है ना इहनू बिग स्क्रीन ते लैके आ रहे ने। सो मेहनत की है, फिल्म रवाऊगी भी हसाऊगी भी ते सोहणा जिहा इक मैसेज छड्ड के जाऊगी। जिवें कि अक्सर ही जिहड़ी अपनी बॉलीवुड मूवीज़ होंदियां है कॉमेडी दी, इहदे विच जिहड़ा पार्ट है होना बहुत जरूरी हुंदा है, ते इस मूवी दे विच ऑन सैट किहड़ा जिहड़ा तुहाडा पोर्शन सीगा या किहड़ा ऐसा मूवमेंट सी जो तुहानूं बहुत ही एंटरटेनिंग लग्गिया? देखो मैं बिन्नू जी नाल सी, भल्ला जी नाल सी, मैनूं नहीं लगता कोई भी मूवमेंट इही होवे ते कोई भी मूवमेंट के उत्ते उन्होंने मैं आराम नाल कम करन देता होवे। बिन्नू सामने होंदे सी जदों मैं उन्हां नाल शॉट देना, फिर मैं दो रीटेक हुंदी मेरी हसी निकल जांदी, तो फिर मैं यही कहिंदी हुंदी सी वी हुण मैं ना तीजे शॉट दे विच थोड़े मूँह वाल नहीं देखना, इधर उधर नज़र घुमाऊँ, बहुत हसाउंदे सी। सो बड़ी मुश्किल दे नाल शॉट पूरा हुंदा सी, पर खुशी भी सी। जदों भी किसी इन्नी मेहनत नाल काम करते हैं तो आर्टिस्ट नूं ये तो जरूर भुख हुंदी है कि दर्शक की कसौटी ते असी पूरे उतरीए, तो यही उम्मीद है कि जदों साडा एक मैसेज लैके जे चार घरां दे विच भी वह मैसेज अप्लाई हो जाता है तो साडी मेहनत सफल हो जाती है। मैं वेट कर रहा कि सारे लोग उत्थे इकट्ठे हो गए हैं तो बस हुण जिहड़ी ना इम्तिहान दी जिहनूं कहिंदे कड़ी है कि बई हुण ऑडियंस देखे तो उहदा रिएक्शन मिले तो बस मैं उहदे लई एक्साइटिड हाँ। सर डायरेक्टर दा किसी भी फिल्म नू लैके एक विजुअल हुंदा है, तुहानू लग्या कि जिवें जो तुहाडा विजुअल सीगा उही तुसी एज इट इज़ जिहड़ा पर्दे ते उतार पाए हो? बिल्कुल जी, 100% जो जो मेरे सी आई हैव बीन वेरी ट्रू टू द स्क्रिप्ट, जो मेरी स्क्रिप्ट सी मैं उहनू उदां ही बिल्कुल पर्दे ते उतारिया। तो यू नो जदों आपां जदों रीडिंग भी कर रहे सी, इनफैक्ट यू नो आई लाइक टू टैल यू कि आपां इस फिल्म दी ना एक एक्सक्लूसिव रीडिंग सैशन रखिया सी विद भल्ला जी, बिन्नू जी, सीमा जी, सारे आर्टिस्ट, एंड मैं बॉम्बे तो मैं आया सी, मेरे प्रोड्यूसर आए सी हरमन बवेजा। मैं उत्थे जिहड़ी एक्सरसाइज की सी ना, सो मैं उस वेले ही वो चीज़ रीडिंग करके उन्होंने फिल्म दिखा दी सी, एंड भल्ला जी ने कहा कि कैनी जी जिस तरह की यह रीडिंग हुई है ना वी कैन सी द फिल्म राइट नाउ, तो वो बहुत ही यू नो एक्सपीरियंस बहुत वधिया रहा मेरा। सोशल मैसेज दे रही आ, वी ओ सोशल मैसेज जिहड़ा है दर्शकों तक पहुँच पाएगा? देखो आपां ना बहुत ही एंटरटेनिंग वे विच एक मैसेज देने की कोशिश की है, जिहड़ा यूथ है या फॉर दैट मैटर इवन जिहड़े एल्डर्स ने वो कुछ ना कुछ विचार जरूर करनगे। मैनूं इह लगदा, मेरा परसनल ओपीनियन है, कुछ ना कुछ फिल्म देखने तो बाद सोचेंगे जरूर कि यार कितने आपां भी तो नहीं कितने कुछ पेरेंट्स नूं टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जो तुसी स्टार्ट किया हैगा तुहाडे ते एक प्रेशर होना कि तुसी करमजीत अनमोल दे बेटे हो ते उहनां दे ही नक्शे कदमां ते तुसी चलना चाहोगे, तो तुहानूं किवें दा लगदा कि तुसी वो चीज़ से खरे उतर पाओगे? हाँ जी हाँ जी, देखो प्रेशर तो रहिंदा ही है क्योंकि मेरी पहली फिल्म है, पापा ने इन्ने वधिया वधिया करैक्टर लोगों नूं पेश किए हैं, सो एक स्ट्रैस रहिंदा ही है। बाकी यह भी मैनू कॉन्फिडेंस हैगा भी लोगों को मेरा काम पसंद आऊगा, बाकी तुसी 14 नू देखोगे जी तो वधिया लगो। उधर रीसेंटली तुहाडी स्टडी कंप्लीट हुई है तो तुहाडे माइंड दे विच किवें आया कि तुसी इसे लाइन दे विच आना वा? ये तो ये जी शुरू तो यह मैं दसना नहीं पाया क्योंकि घर पापा को पता सी शुरू तो ड्रामे करता आ रहा छोटे होंदे तो ही, तब भी इस लाइन च जाऊगा। तो हुण जिहड़ी आ मूवी है पहला वड्डे पर्दे ते रिलीज़ होनी सी, बट आफ्टर जो भी सब कुछ होया उस तो बाद Z5 ते रिलीज़ हो रही है, इहदे ते की गल कहोगे तुसी? इहदा ये भी मूड तो ऑफ हैगा ही है क्योंकि ये सी थिएटर च वधिया लोगों को पहुँचनी सी फिल्म, उस चीज़ का मूड ऑफ हैगा। बाकी ये कोई नहीं, हुण इहदा एक फायदा यह है भी जिथे थिएटर नहीं भी है उत्थे भी ये फिल्म पहुँच जूगी।
ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। जैसे कि आपने अभी देखा ही है कि मैं विनू के अपोजिट हूँ और विनू मुझे लाइक करने लग गया है, लेकिन मैं जितनी रिस्पॉन्सिबल दिखाई हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, विनू जी उनने ही निकम्मे दिखाए हैं। तो आगे वो स्टोरी जाएगी कैसे वो निकम्मा और मैं एक रिस्पॉन्सिबल दोनों कैसे मिलते हैं। किवें दा लग रहा है विनू ढिल्लो की गर्लफ्रेंड बन के तुहानू इस फिल्म दे विच? बहुत वधिया लग रहा है मैनू तां, मतलब पहले तो यकीन ही होया सी कि मैं यू नो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हूँ, बट बहुत अच्छा लगा बिकॉज एज अ पर्सन ही इज़ वेरी नाइस। और जो सेट पे हम कुछ भी ऊपर नीचे डायलॉग होते कुछ भी है, ही इज़ वेरी कंफर्टिंग कि ऐदा नहीं ऐदा करो तुसी एक्टिंग कुछ भी हो, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करके। एक खुद में एक सीख मिलती है, आप अपने आप को पॉलिश कर पाते हो। जिवें कि फर्स्ट पंजाबी फिल्म है जिहड़ी OTT ते रिलीज़ हो रही है, किवें दा लग रहा है जी? बहुत वधिया लग रहा है क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि हमारे यहाँ पे कितने बुज़ुर्ग, जैसे मूवी है कि बुज़ुर्गों पे भी है ये मूवी, कई लोग हैं जो कोविड की वजह से सेफ्टी को देखते हुए नहीं आ पाते सिनेमाज में, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने बड़े बुज़ुर्ग बच्चों के साथ मिलकर ये एक फैमिली मूवी देख सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पार्ट की ये OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ हो रही है। साडे दर्शकों का जो सू भरमा हुंगारा मिलता है ना, तब मतलब इतने टच कर जिमें कि मैं मूवी के दिखाया गया है कि फैमिली नू टाइम देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों का मापियां नू टाइम देना रियल लाइफ दे विच, इस ते की कहोगे तुसी? बिल्कुल जी, देना चाहिए रियल लाइफ दे विच। ता टच वुड के मेरी फैमिली मेरे नाल है, तो मेरे रिश्तेदार भी मेरे नाल आए हैं, मेरी मदर नीचे बैठे हैं वो भी मेरे नाल आए हैं, तो अज बेटी मेरी बाहर है ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने मैं मिस कर दी हाँ, वो मेरे नाल नहीं है, पर कल नू वो मेरी फिल्म देखेगी, उन्हें मैनू रिस्पॉन्स देना है। ਇਹ ਹੈਰੀ ਬਵੇਜ ਹੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਮ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਈ? 100% ਜੀ, 100% ਜੀ, 100%। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਸਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਹਮੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੰਗੇ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਗੇ ਦੀਆਂ ਮਾਏ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਤ ਮਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਫਲਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ, ਪਰ ਸਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਵਧੀਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਡ? ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ Zee5 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਹੈਰੀ ਬਵੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਵੇਜਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੈੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਵੀ ਆਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਲਾਈਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਂਚਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਲੇ ਕਰਤਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੂਵੀ? ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ ਜੀ। ਮੁਝੇ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਸਮੇ, ਕਾਮੇਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਹਮ ਲੋਕ, ਬਟ ਲਾਸਟ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਆਇਆ, ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏ। ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਸਕੀ ਲੱਗੀ ਆਪਕੋ? जी मैं कहूँगी कि सारे बहुत अच्छे थे, माँ भी बहुत अच्छी थी, पापा जी भी बहुत अच्छे थे, सारे भाई बहुत अच्छे थे, बट मेरे फेवरेट मनिंदर है, तो लास्ट में बेस्ट प्रोड्यूसर भी है जी।
सो लास्ट में जो सीन था जब सबको रियलाइजेशन हिट होती है और जब जग्गी बैठा होता है और सामने वाले जो बोलते हैं कि भाई अब प्रॉब्लम है, अभी तो मनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इनको कैसे मनाते हैं, तब सारे भाई एकजुट होकर अपने माँ बाप के लिए खड़े हुए। बॉलीवुड दे विच इस रोल दे नाल डेब्यू किया, किवें दा लग रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे कि अभी विक्की सर बता के गए हैं, इट वॉज़ मोर ऑफ अ फैमिली ऑन द सेट देन लेस ऑफ लाइक कि आप एक प्रोफेशनल एक्टर्स हो, तो वो चीज़ बहुत प्यारी थी कि एक बॉन्डिंग बन जाती है बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से काम किया, तो बहुत मज़ा आया है। किवें दा लग गया बीनू ढिल्लों की गर्लफ्रेंड बन के? बहुत मज़ा आया जी, मतलब अगर बिन्नू जैसा बॉयफ्रेंड हो तो मतलब मैं कह रही हूँ कोई लड़की चुप रह ही नहीं सकती है, सैड रह ही नहीं सकती है, वो बहुत खुश रहेगी, सारा टाइम हंसती रहेंगी और वो हंसाते रहेंगे। जिमें कि हूँ एक ट्रेंड सैट हो जा रहा है कि पहली पंजाबी फिल्म जी Z5 पर रिलीज़ हो जा रही है, तो वो की कहोगे? जी मैं कहूँगी कि इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं कि चलो OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है। इसी बहाने जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं जो कोविड की चक्कर में नहीं आ पाते हैं कि सेफ्टी होगी नहीं होगा, यू नो कई लोग नहीं प्रेफर करते कि किसी तरीके से इन्फेक्शन लगे, तो अब वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ मिल के बैठ के आराम से सेफली अपना मूवी देख सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। सब तो फनीएस्ट करैक्टर या सब तो ज़्यादा तुम्हें एंटरटेनिंग कौन लग गया शूट के दौरान? मैं बिन्नू ही कहूँगी बार बार, क्योंकि बिन्नू ऐसा नेचर का है उनका कि वो ऑन द सेट तो है ही है, इतने अच्छे एक्टर कॉमेडी करते हैं, ठीक है, बट ऑफ सेट भी आप उन्हें देखना कभी भी वो ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जिससे सब माहौल बहुत अच्छा रहता है, मतलब यू नो खुश मिजाज रहता है माहौल, सब हंसते रहते हैं, तो इट्स वेरी नाइस। तो जिमें हूँ तुम भी यंग जनरेशन हो, आप इस मूवी के वेख्या है कि किमें मतलब कि बच्चे अपने पेरेंट्स तो रियल लाइफ के भी दूर रहेंगे, उन्होंने की मैसेज देना चाहोगे? जी मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, उन्हें वैल्यू करो, ठीक है, ये फ़ोन वगैरह चलते रहेंगे लाइफ टाइम, पेरेंट्स आज हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट है, जो आपके सामने हैं, उनको रिस्पेक्ट करें बस। टू बी वेरी फ्रेंक, मैं एक गल कहना चाहूँगी, तोड़े रोल ने इस मूवी दे विच कुड़ियां दी जड़ी वैल्यू है वो वधा दित्ती है। जी बिल्कुल, और इस रोल के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ यू नो हमारे प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर का, जिन्होंने मुझे ऑफ़र करा कि मैं इस रोल के ज़रिए लड़कियों का एक्चुअली एक पोट्रे कर सकती हूँ, क्योंकि दिस इज़ द रियलिटी आज की डेट में कि हम सोचते हैं कि लड़का होगा तो ही माँ बाप का ध्यान रखेगा, यू नो, और पेरेंट्स भी पहले के होते थे कि लड़कों से ज़्यादा उम्मीदें रखते थे, लड़कियों से कम रखते, लेकिन आज की डेट में मैंने देखा है कि लड़कियाँ ज़्यादा अपने माँ बाप के प्रति रहती, इवन वो शादी करके भी चली जाए ना मायके से भी फ़ोन करती है, मम्मा आपने खाया पिया, यू नो मिलने आती रहती है, लेकिन लड़के साथ होके भी आज दूर हैं। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज दिया है इस मूवी के साथ कि आजकल की लड़कियाँ ज़्यादा वर्थ रही हैं लड़कों से, प्रूव कर चुकी हैं कि वो उनसे कम नहीं है। किवें ते लगे फिर तुहानू तुहाडे दोस्त दी परफॉर्मेंस? बहुत वधिया लगी जी, एक नंबर दी निकम्मी। क्यों किवें तुहानू लगदा कि एप्रोप्रिएट सीगा जिहड़ा टाइटल सीगा जिन्ने जम्मे सारे निकम्मे? बहुत वधिया सी, सारिआं ने निकम्मापन बहुत वधिया तरीके नाल दिखाया जी सारिआं ने, ते बहुत सोहणा मैसेज भी सी फिल्म च, ते एक बैलेंस सीगा प्रोपर जी, इमोशनली भी ते कॉमेडी भी बहुत अच्छा सीगा। की गल सारे यार जिगरी कसूते डिग्री कास्ट वाले ने सोच चुकी हुई है कि लगातार हिट ते हिट मूवीज देनी है? देखो हिट तो चलो जी परमात्मा कराते हैं, पर असी एक चीज़ की समझ जरूर चखी है भी कुछ भी नवा करना, एक्सपैरीमेंटल करना, तो हट के करना जी, ये चीज़ की जरूर समझ चखी है जी। तो तुहानू थोड़े ही दोस्त का रोल पुखराज भल्ला जी का रोल किवें दा लग्या? बहुत वधिया लग्या जी, तो वेरिएशन सी, एक सब तो साड़ी यही कोशिश होंदी है जी, साडा जिन्ना भी एक सारिआं दी टीम है जी, कुछ भी करना उस वेरिएशन लैके आईए, अड्ड अड्ड करैक्टर करिए, डिफरेंट डिफरेंट, सो वो चीज़ बहुत सोहनी निकल गई जी। यह मूवी एक सोशल मैसेज दे रही है अज की यंग जनरेशन नू, ते तुसी की कहना चाहोगे? हाँ जी, जो ट्रेलर देखा सीगा मन च यही सीगा भी यह जी कि चीज़ आ भी ट्रेलर दे विच भी मूवी दे विच भी जिहड़ी पंजवां जवाक जम्मण दी कोशिश कर रहे हैं, सो बहुत सोहना मैसेज आ, तो अक्सर मतलब घर घर की कहानी आ जी अजकल जिहड़ा सारे कितें आप देखते हैं भी घर दे विच मोस्टली तो बहुत ज़्यादा अबरॉड जा रहे हैं तो जम्मे ही छड़ के जा रहे हैं, तो बाकी जिहड़े उरे आ वो कोई पटियाले पढ़ता वो घर तो बहुत दूर बच्चे पढ़ते हैं, तो टाइम आ जिहड़ा पेरेंट्स लई वो नहीं कढ़दे, तो जिहड़ी सब तो वड्डी गल है सारिआं दे इक इक जवाक आ, सो उस चीज़ पर आपां नूं ध्यान देना पवेगा जी, अपनी कोर स्ट्रोंग करनी पवेगी होर ज़्यादा। कि तुहानू लगता है कि चंडीगढ़ की जिहड़ी मंडीर हैगी स्पैशली वो तो इदां दी जरूर हैगी है कि जिन्ने जम्मे सारे इनकमे टाइप?
नहीं हूँ तो पिंडा भी काफ़ी इदा दे जी जरूरी आप चलो चंडीगढ़ में नहीं ब्लेम करते हूँ तो काफ़ी दूर काफ़ी जगह पिंडा भी यह चीज़ हो चुकी है काफ़ी कोल होकर भी टाइम नहीं देंगे पेरेंट्स को जवाक बिच रह के भी टाइम नहीं देंगे सो ये सारे कितने आपको ध्यान देना पैना जी खुद से अपलाई करके खुद के घर तो ही स्टार्ट करना पैना जी। एट द एंड तुसी की कहना चाहोगे इस मूवी दे रिलेटेड? बहुत सोहनी मूवी है मैं यही कहूँगा भी सारे देखो देख के उन्हों अमल कहने कई चीज़ा होंदिया ने देख के ना अमल करने वाली सो मैं कहना भी ये फिल्म देख के खुद पर अमल करो। सो फाइनली अज असी आए से जिन्हें जम्मे सारे निकम्मे दे प्रीमियर ते गलबात की स्टारकास्ट के नाल तो तुहानू भी यह मूवी किवें दी लगी सानू वेख के जरूर दस्यो। सत श्री अकाल।